हेलो स्टूडेंट, दिस इज माला एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद माला मैम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ वेरी स्पेशल टॉपिक विच रिलेटेड टू एसिड एंड बेस, दैट इज इंडिकेटर। तो बच्चों, पहले हम इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सब जानते हैं कि आपकी गाड़ियों में भी इंडिकेटर का यूज होता है, ठीक है। किस लिए यूज होता है? जब हम लेफ्ट साइड या राइट साइड हमको टर्न लेना होता है तो हम क्या करते हैं कि पीछे वाले को इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर का यूज करके एक साउंड उसमें प्रोड्यूस होती है, लाइट से जलती है, जिससे पीछे वाले को पता चलता है कि हम इससे टर्न लेने वाले हैं, तो वो क्या करता है, उसको इंडिकेट कर देता है। ओके, तो वैसे ही एसिड और बेस के कंसेप्ट में भी कुछ इंडिकेटर का यूज होता है। तो आइए हम एसिड और बेस के टर्म्स में इंडिकेटर को जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर, दिस आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर जो होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आते ही कलर चेंज कर देते हैं या फिर कुछ स्मेल में चेंज कर देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। तो एक्चुअल में इंडिकेटर जो होते हैं एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। तो ये जो होते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट जो हमारा है नेचुरल इंडिकेटर, एंड सेकंड टाइप ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड टाइप इज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो जानते हैं बच्चों कि नेचुरल इंडिकेटर होता क्या है। तो नेचुरल नाम से क्लियर हो रहा है, जो हमको नेचर से प्रोवाइड हो, जो नेचर से हमको मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल देखते हैं, लिटमस एंड टर्मरिक, ये दोनों हमको नेचर से मिलते हैं, इसलिए ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल हैं। तो अब हम पहचानेंगे कैसे, लिटमस के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। तो देखिए, जब लिटमस एसिड के कॉन्टेक्ट में लाते हैं ब्लू लिटमस पेपर को, ओके, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, ओके। अब हम बेस की बात करें तो अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लिटमस इंडिकेट करेंगे, ब्लू को रेड में चेंज करके, रेड कलर इंडिकेट करके हमको पता चलेगा कि वो एसिड है, और रेड को ब्लू में अगर वो चेंज करता है तो हमको पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। आइए टर्मरिक, हम डेली लाइफ में टर्मरिक का यूज करते हैं, सबको पता है हल्दी, ठीक है। तो जब एसिड के कॉन्टेक्ट में टर्मरिक को लाया जाता है तो वो कोई भी चेंज शो नहीं करता, ओके। लेकिन जब टर्मरिक बेस के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो रेड कलर शो करती है। आप लोगों ने देखा होगा, हम हमारे खाने में जनरली हल्दी का यूज होता ही है, और कभी भी हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, हम जब उसको वॉश करते हैं वॉशिंग सोडा से, जो कि हमने पहले वीडियो में बताया वो एक बेस है, तो जब उसके कॉन्टेक्ट में आती है तो वो रेड कलर शो करता है हमको। तो बेस के कॉन्टेक्ट में टर्मरिक आते ही रेड कलर इंडिकेट करता है, ओके। सेकंड टाइप देखते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब है जिसको सिंथेटिकली लैब में बनाया गया हो, ओके, तो उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। और हम इस इंडिकेटर का यूज जनरली हम अपने लैब में प्रैक्टिकल्स के लिए भी करते हैं। तो इसके एग्जांपल है, फर्स्ट है हमारा मेथिलीन ऑरेंज, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, मेथिलीन ऑरेंज का यूज हम लैब में करते हैं। अब देखें ये शो कैसे करता है, ये इंडिकेट कैसे करता है एसिड एंड बेस को। तो एसिड के कॉन्टेक्ट में मेथिल ऑरेंज को लाया जाता है तो वो रेड कलर शो करता है, ओके। एसिड के कॉन्टेक्ट में मेथिल ऑरेंज रेड कलर शो करता है, और वैसे ही जब मेथिलीन ऑरेंज बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो हमको येलो कलर शो करता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब नेक्स्ट है हमारा फिनोफ्थलीन, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है। जब फिनोफ्थलीन एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो कोई भी कलर
शो नहीं करता, नो कलर चेंज। लेकिन जब वो बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो लाइट पिंक कलर शो करता है। तो इस तरीके से फिनोक्सिलिन जो है वो इंडिकेट करता है एसिड और बेस को। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर, दैट इज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ऑलिफैक्टरी को पहले हम आपको क्लियर करते हैं। ऑलिफैक्टरी जो होता है किसी चीज के स्मेल से उसको पहचानना, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर कहलाता है। मतलब स्मेल के थ्रू वो हमको किसी चीज को इंडिकेट करे, वो कहलाता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि एग्जांपल में है वेनिला, नाम तो सुना सुना लग रहा होगा है ना, क्योंकि सारे बच्चे आइसक्रीम खाने में तेज हैं, इसीलिए वेनिला का यूज आइसक्रीम में फ्लेवर के लिए किया जाता है, सबको पता है। अभी लॉकडाउन है तो खाने के लिए नहीं मिल रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। तो अब वेनिला कैसे इंडिकेट करता है ये देखते हैं। तो जब वेनिला को एसिड के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो उसकी स्मेल इंक्रीज हो जाती है, ओके। और वेनिला को बेस के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो वो कोई भी स्मेल शो नहीं करता है, ओके। तो इस तरीके से हम वेनिला को स्मेल के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं, एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल है ऑलिफैक्टरी का क्लोव ऑयल, जो लौंग का तेल होता है, ठीक है, यूज करते हैं घरों में। जब हमारे दांतों में दर्द होती है तो जनरली लौंग का तेल यूज किया जाता है। तो देखिए क्लोव ऑयल भी है, एसिड के कॉन्टेक्ट में आने से उसकी स्मेल जो होती है वो इंक्रीज अप हो जाती है, और बेस के कॉन्टेक्ट में आती है उसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो हमारा जो छोटा सा लेक्चर था इंडिकेटर बेस्ड, जो हमारा एसिड बेस पर ही डिपेंड था, ओके। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे शो करता है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल। कोई भी एसिड कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है एसिड, और वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे HCl है, HCl जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि वो एक स्ट्रांग एसिड का वर्क करता है, और जब जिंक जो कि एक मेटल है तो ये जो है जिंक क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस का, बेस जो होता है हमारा वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। तो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सेम कंडीशन है एसिड और बेस के लिए, दोनों वही काम करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक जो कि एक मेटल है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रही है, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, ओके। और ये भी क्या करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो हमने ये जाना कि एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होने पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब नेक्स्ट अप हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पे है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी सेम है जो है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हुई एंड वाटर रिमूव होगा। सेम कंडीशन है यहाँ पे HCl है, ये तो हमारा था, ये हमारा मेटल कार्बोनेट है और ये हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो दोनों में हमने देखा कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और वाटर रिमूव हुआ। तो एसिड का जब रिएक्शन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो बेस, ठीक है, बेस का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होता है। तो बच्चों, जो बेस होते हैं, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेस का इनके साथ कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट इच अदर। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेशन में मुझे बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।